नमस्कार दोस्तों, हरियाम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्वेश्चन 6 का हल करेंगे। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने भी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। देखिए, एम एन एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, और पी एक बिंदु है जो रेखा एम एन पर स्थित नहीं है, यानी पी क्यू लंब खींच लेते हैं, ठीक है, और पी आर पी एस इस तरह जितने भी रेखा खींचेंगे उनमें से सबसे छोटे पी क्यू होगा, यह दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है एम एन एक रेखा है और पी एक बिंदु है जो एम एन पर स्थित नहीं है तथा पी क्यू लंब एम एन। इसके बाद लिखना है, सिद्ध करना है पी क्यू सबसे छोटा है, यानी दिखाना है कि पी क्यू सबसे छोटा है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। इंग्लिश से कहते हैं प्रूफ, हिंदी से प्रमाण, ठीक है। तो देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए इसका नाम दे देते हैं, इसका कोण एक दे देते हैं और इस कोण का नाम दो देते हैं, इसका तीन, ठीक है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए इस त्रिभुज में पी क्यू आर में कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण क्यू बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ कारण लिख देंगे, त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है। अब कारण में लिख सकते हैं, त्रिभुज का कोण योग गुण। अब देखिए, कोण एक प्लस कोण दो, कोण क्यू कितना है, देखिए पी क्यू लंब है तो यानी 90 डिग्री होगा। अब देखिए, अब 90 डिग्री, 90 डिग्री को उस पर ले जाएंगे तो 180 में 90 घटाएंगे कितना बचेगा, 90 डिग्री। यानी देखिए कोण एक और दो 90 डिग्री हो रहा है। देखिए इसका मतलब, देखिए कोण एक और दो मिला के, दोनों मिल के 90 डिग्री बना रहा है। इसके मतलब देखिए, कोण कोई भी कोण 0 डिग्री नहीं होता, 0 डिग्री से बड़ी होती, इसके मतलब ये दोनों 90 से कम होगा। यानी ये अगर एक होगा तो ये 89 होगा, ये 5 होगा तो ये 85 होगा, चूंकि कोण एक और कोण दो न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी, ठीक है। यानी 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से कम होगा, न्यून कोण हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए कोण क्यू क्या है, देखिए कोण क्यू 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए, अर्थात यानी इसका मतलब, देखिए कोण दो, कोण दो से बड़ा होगा कोण क्यू, कोण दो से कोण क्यू बड़ा होगा, क्योंकि देखिए जब एक और दो दोनों मिल के 90 डिग्री हो रहा है और कोण क्यू जब अकेले 90 है तो इसका मतलब दो से तो ये बड़ा होगा, ठीक है। जब कोण दो बड़ा है, सॉरी कोण क्यू बड़ा है कोण दो से, तो क्यू के सम्मुख भुजा क्या है, देखिए चित्र में क्यू के सम्मुख भुजा है पी आर, ठीक है, और कोण दो के सम्मुख भुजा पी क्यू, यानी पी क्यू से बड़ा होगा पी आर। या कारण में दे देंगे, बड़े कोण की, बड़े कोण की सम्मुख भुजा, ठीक है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक है। देखिए जब ये इससे बड़ी है, देखिए कोण क्यू दो से बड़ी है तो भुजा बड़ी होगा। इसी प्रकार से देखिए, सब हमको सिद्ध करके दिखाने की जरूरत नहीं, इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से पी एस बड़ा होगा पी क्यू से, ठीक है, पी क्यू से बड़ा होगा पी एस, ठीक है। तो देखिए पी क्यू से पी एस बड़ा है, देखिए पी क्यू सब में छोटा आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं, अतः पी क्यू सबसे छोटा है, यही सिद्ध करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।